बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, मेरी अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम अपनी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे बीफ जर्सी कढ़ाई। बीफ का मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है, इसको मैंने धो लिया और छलनी में डाल के रखा हुआ ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे तरीके से नीचे निकल जाए। तो चलिए हम इसका सालन बनाना शुरू करते हैं। चूल्हा मैंने चला दिया, प्रेशर कुकर मैंने ऊपर रख दिया। अब मैं इसमें आयल शामिल कर दूँगी। आयल तकरीबन मैंने 1 कप डाल दिया। अब मैं इसको गर्म होने दूँगी। आयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 चम्मच भर के लिए है, ये मैं इसमें शामिल कर लूँगी। अदरक लहसुन पेस्ट के साथ मैं इसको भूनूंगी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भून लिया। जो गोश्त में पानी छोड़ा था वो भी खुश्क हो गया है और इसकी अदरक लहसुन के पेस्ट का भुनाई भी अच्छे तरीके से हो गई है। अब अभी हम इसमें कोई मसाले नहीं डालेंगे, मैं सिर्फ टमाटर से बनाऊंगी। 1/2 kg मैंने टमाटर लिया और 1/2 मैंने दरमियान में से काट लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर लूँगी। टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दूँगी। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूँगी। प्रेशर मैंने लगा दिया है और ऊपर मैंने वेट रख दिया। अब मैं इसको जब विसल की आवाज़ आएगी तो उसके बाद तकरीबन 12 मिनट तक उबाल लूँगी। गोश्त गल गया और इसके मैंने जो टमाटर थे इनके छिलके मैंने निकाल के फेंक दिए हैं और इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया। तो अब हम इसकी भुनाई करेंगे। अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल कर लें। 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने काट लिया, ये भी इसमें शामिल कर दें। अब हम इनकी भुनाई कर लेंगे। इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा, बस ये नमक से और हरी मिर्च से ही हम पकाएंगे। और अगर हमें ज़रूरत भी हुई तो हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। सालन हमारा तैयार हो गया। 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं साबुत और इन दरमियान में मैंने कट लगा लिया, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो व्यूअर्स, सालन हमारा बन गया है। बहुत अच्छी सी, बहुत मज़े की हमारी चस्सी कढ़ाई बनी है। तो चूल्हा अब मैं बंद कर दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, चस्सी कढ़ाई हमने बना ली है, बहुत मज़े की बनी है, बहुत आसानी के साथ बनी है और बहुत कम मसालों से बनी है। तो आप भी इसी तरीके से बीफ जर्सी कढ़ाई बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आप बार बार बनाएंगे। उम्मीद है व्यूअर्स आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।